मैंने यहाँ पर। इस बीच कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भोरमदेव दर्शन के दौरान हादसा हुआ है। भोरमदेव दर्शन करने जा रहा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए जिनकी हालत गंभीर है। वाहन में 25 से ज्यादा लोग सवार थे, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सरेखा के पास हादसा हुआ है, जहां भोरमदेव दर्शन के दौरान पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, इसमें 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं 3 की हालत भी गंभीर है। वाहन में 25 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही 3 लोगों की हालत भी गंभीर है, यानी कि पिकअप वाहन के पलटने की वजह से तकरीबन सभी लोग इसमें घायल हुए हैं। इलाज चल रहा है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें 3 लोग बताया जा रहा है कि जिनकी हालत गंभीर है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कवर्धा से हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश फोन लाइन पर है। सूर्य, ये बताइए हादसा कैसे हुआ और फिलहाल घायलों की स्थिति कैसी है? पूरे हादसे के कारण रफ्तार बताया जा रहा है। फिलहाल जो घायल है उनकी इलाज जारी है जिला अस्पताल में, उसकी हालत काफी गंभीर अभी भी बना हुआ है। छह इलाज के लिए रायपुर रिफर करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं बीरेन नगर कबीरधाम जिले के गांव है, वहाँ से भोरमदेव मंदिर जो की भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, पूरा करीब 1000 साल पुराना मंदिर है। मंदिर के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग अधिकांश तौर पर यहाँ आते रहते हैं, लेकिन कवर्धा से भोरमदेव पहुँचने का जो मार्ग है वह काफी अब मोड़ नहीं है, जिसके चलते आए दिन इस तरीके की हादसा होते रहती है और तेज रफ्तार भी इस हादसे का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल जो घायल है उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बताया जा रहा है और 2-3 घायल है उन्हें रेफर के लिए। क्या कितने लोग घायल हैं? जी निश्चित तौर पर 25 लोग घायल है और जबकि 3 की हालत गंभीर बताया जा रहा है, इसमें से जो 3 गंभीर रूप से घायल है उन्हें राजधानी रायपुर रिफर किया जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वाहन में 25 से ज्यादा लोग सवार थे और इस ये हादसा होने की वजह से 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों की हालत गंभीर भी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज सभी का चल रहा है और बताया जा रहा है कि भोरमदेव से दर्शन कर ये लोग लौट रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हो गया। उधर खजुराहो के खरोही में दर्दनाक हादसा हो गया।